नमस्कार, साधनाज बास्केट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाना शेक बनाएंगे। बनाना शेक एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। हमने 3 केले को छिल लिया है, अब इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी केले ले सकते हैं। केले को छिलने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, अब इसे फ्रीजर में आधे से एक घंटे के लिए रख देना है। मैंने बनाना को आधे घंटे तक फ्रीजर में रखने के बाद निकाल लिया है। शेक को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हमने बादाम अखरोट लिया हुआ है और मिठास के लिए डेट्स हैं और हनी लिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। थोड़ी देर फ्रीजर में रखने से बनाना शेक की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है। आप इसे डायरेक्ट भी कट करके ग्राइंडर जार में डाल करके तुरंत भी पीस सकते हैं, उससे भी अच्छे शेक बनते हैं। इसमें कटे हुए बनाना को हमने डाल दिया है, ये डेट्स को डाला, कटे हुए थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और ये हनी है। आप हनी के जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना शेक में डालने के लिए हमने ये 2 कप दूध लिया हुआ है। जार में सब चीजों को डालने के बाद इसे हम पीस लेंगे। बॉटल में हमने थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से शहद डाल करके रखा हुआ है। इसे हम सर्व करने के लिए बॉटल और ग्लास में डाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख लें, और चाहें तो ऊपर से आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं और इस ठंडे डिलीशियस हेल्दी बनाना शेक को एंजॉय करें। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।